इंसान ते अमूमन और उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खुसूसन अपनिया बेशुमार नेमतां दा इतमाम फरमाया लेकिन ये तमाम इनामात और एहसानात फरमान दा ए मकसद नहीं के मालिक दा खा के ओदे सामने आकड़िया जाए अकलमंद बंदे दाना बंदे सियाने बंदे ओना ते अगर कोई दुनियादार बंदा कोई एहसान करदा ओते सारी जिंदगी ओदे ममनून रहिंदे ने एहसान मंद रहिंदे ने के इस बंदे ने जिंदगी अंदर एक दफा मेरे मुश्किल वक्त दे अंदर मेरिया परेशान कुन घड़िया दे अंदर मेरी इन्ने मदद की है मेरे काम आया ते एदा मेरे ते इन्ना एहसान है कि मैं ये सामने अख नहीं उठा सकता। और बंदिया जेड़ा जिंदगी च एक दफा तेरे ते एहसान करे ओदा ते इन्ना एहसान मंद हुन्ना ममनून हुन्ना के सारी जिंदगी ओदे सामने अख उठान दी जुर्रत नहीं करदा। और जिदे कदम कदम ते बेशुमार एहसानात ने कमलिया ओदे सामने आकड़ आकड़ के वखाए अकल भी नहीं मन दी ते उस रब नू भी ये गल वारा नहीं खांदी के नेमता रब अता करे एहसान दी बारशां रब बरसाए ते बंदिया तू उस ही मालिक दा खा के ते ओनू गुर्राए ए ते किसे तरह भी तेरे लिए मुनासिब नहीं। इस वास्ते चाहिदा ए वे क्या इंसान जिथे अपने दुनियादार साथियों दे एहसानात की कदर करदा उन्हां दा मुल पांदा और सब तो ज्यादा हकदार ते अर्श वाले रब दी जात के ओदा एहसान मंद होया जाए ममनून होया जाए ते मालिक ओवे के अगर ओदा एहसान मंद होएगा ओदे अता कीतियां नेमतां दा शुक्रिया अदा करेगा ते उस अल्लाह ने ते आम ऐलान फरमा दिता। अल्लाह फरमांदे ने ला इन शकारतुम ला अजीदन्नकुम। दुनियादारा ने एक बार एहसान कर दिता ते फिर पता नहीं कदी तू उन्हां नू याद रवे के ना रवे सारी जिंदगी एदे ते ही गुजारा कर ते ओ रब की कह रहा है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ला इन शकरतुम
लाजीदन्नकुम, अगर मेरे आ बंदे आ मेरे आ इना एहसान दा मुल पाएगा, अगर मेरिया इना अता कीता नेमतां दा शुक्रिया अदा करदा रहेगा, ते मैं रब्बुल आलमीन आप ऐलान कर रहा वा ला इन शकर तुम लाजीदन्नकुम, मैं तेरे वास्ते अपनिया रहमतां दे दरवाजे ही खोल छड़ांगा, लाजीदन्नकुम मैं और ज्यादा अता करांगा, लाजीदन्नकुम मैं अपनिया रहमतां ते बरकतां दे तेरे वास्ते दरवाजे ही खोल छड़ांगा। पर एवें किसे भुलेखे च ना रही कि इन्ना कुछ अता करन वाला जेड़ा मालक है उन्हें ते दे ही छड़िया, हुण मेरी मर्जी है मैं अपनी जिंदगी किवें गुजारना। ना 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 ना, अगर वो अता करन ते कादर है ते वापस लैन ते भी कादर है, अगर इज्जत देन ते कादर है ते इज्जत वाले आनू जलील और रुसवा करन ते भी कादर है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने वाला इन कफर तुम इन अजाबी लाशदी, अगर मेरिया इना नेमतां दिया न शुक्रिया करेगा। अल्लाह फरमांदे ने फिर मैं पूछ भी सकना वा क्योंकि मेरे अजाब बड़े ही दर्दनाक ने, मेरे अजाब बड़े ही सख्त किस्म दे अजाब ने, इस वास्ते सोचना ए वे वेखना ए वे परखना ए वे कि जिस मालिक ने सानू इनिया नेमतां ना हम किनार फरमाया उस मालिक दा शुक्रिया अदा करना चाहिदा और ओदे सामने तकबर नहीं करना चाहिदा। तकबर ते दुनिया दी दौलत ते बंदा करे ते रब नूं वारा नहीं खांदा, इस वास्ते ओदियां अता करदा नेमतां नूं अच्छे तरीके नाल खाणा ही, अच्छे तरीके नाल पहनना ही, अच्छे तरीके नाल हंडाण दी कोशिश करनी है। ते इंशाअल्लाह रहमान अर्श वाला रब तेरियां इन्ना शुक्र गुजारियां दा मुल पा छड़नगे। दोस्तों जेड़ी बात आज मैं तुहानूं समझाना चाहना और आज दे अजीम शान खुतबे जुमा दे अंदर मैं जिन्नू मौजू ए सुखन बनाना चाहना कि ओ लोग जिन्ना ने अल्लाह दी जमीन ते रह के तकबर कीता, अल्लाह दी बनाई हुई जमीन ते वस के अल्लाह जुल जलाल दे मुकाबले विच आए ने, आसमान दी नीली छत तले रह के उस मालिक दिया ना फरमानिया कीतिया ने, उन्हां मुतकब्बरा दा अंजाम कार की होया। ए बात मैं तुहाडे गोश गुजार करन दी जसारत करांगा के मुतकब्बरीन दा अंजाम की है, तकब्बर करन वालिया दा अंजाम की है। तकब्बर एक ऐसी अजीम लानत है, बुरी लानत है। ए दुआ करे आकर अल्लाह मैनू ते तैनू इस लान कोलो बचा के रखे। आओ सरा अज अल्लाह दे कुरान दे अल्फाज दे भी गौर कर दे जान, और मैं कुरान दे मुख्तलिफ मकामात तो अल्लाह दे कुरान दिया आयत तुहाडियां चोलियां दी जीनत करन दी कोशिश करांगा। और आमिना दिलाल इमामुल अंबिया हबीबे खुदा महबूबे किबरिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़बाने नबुव्वत तो निकले अल्फाज में तुहाडे गोश गुजार करन दी जसारत ते कोशिश करांगा। शायद के मेरी इस गुनाहगार ज़बान तो निकले आ कोई लफ्ज़ मेरे ते तेरे दिल दी दुनिया बदल जाए और मेरी तेरी निजात दा ज़रिया ते सबब बन जाए। आ सुन लो अल्लाह दा कुरान, अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने वला तमशे फिल अर्ज मारा
वाला तमशे फिल अर्ज मरा ओ दौलत वाले हो मुरब्बिया वाले हो हुकूमत वाले हो सरमायादार हो गरीबो ते मिस्कीनो मिंबर ते खड़े होने वाले खतीबो मैदान तिजारत दे अंदर आने वाले ताजरो और समा में इक्तदार संभालने वाले हुक्मरानो खुदारा खुदारा अल्लाह दे कुरान दे अल्फाज नो समझो अपने दिलो दिमाग दे अंदर जगह अता करो। अल्लाह जुल जलाल फरमा देने वाला तम शिफिल अर्ज मारा इन कल तखर कल अर्जा इन नकल तखर कल अर्जा वाल तबलो गल जवाल तूला। अल्लाह फरमांदे ने सोने इन्हां नूं फरमा दियो मेरी बनाई हुई जमीन ते आकड़ आकड़ के ना चले आजे अल्लाह दी बनाई जमीन ते तकबर दे नाल फखर दे नाल गोमंड विच आके चलेगा अल्लाह दी कसम रब दा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। अल्लाह फरमांदे ने ना ते मेरी जमीन नूं ही फाड़ सकेगा एक कितना भी ताकतमंद बंदा होए कितना भी ताकतवर बंदा होए अड्डी मार के जमीन तोड़ नहीं सकदा जमीन फाड़ नहीं सकदा ते जिन्ना भी उच्चा होके टुरेगा अड्डिया चुक चुक के टुरेगा उच्ची अड्डिया वालिया जुतियां पा पा के चलेगा धौन अपनी अकड़ा अकड़ा के चलेगा अपने बाजू हिला हिला के चलेगा और ज्यादा तो ज्यादा यही कर सकना ना लोकी आखणगे चौधरी साहब जा रहे ने लोग आखणगे लो जनाब ये बड़ा इलाके दा चेयरमैन जा रहा है ये बंदा बड़ा सरमायादार है इहदे कोल दौलत बड़ी है इहदे कोल खजाने बड़े ने इहदे अगे पिछे नौकर बड़े ने इहदे सज्जे खब्बे बॉडीगार्ड बड़े ने ओ ज्यादा तो ज्यादा ऐ ते लोकी कह देणगे पर तू आकड़ आकड़ के पहाड़ा दियां बुलंदियां तक पहुंच सकदा। अल्लाह फरमांदे ने इन्ना कल लन तखरे कल अर्जा व लन तबलो गल जवाल तूला ना ते तू अल्लाह दी जमीन नू फाड़ सकना ना पहाड़ा दियां बुलंदियां ते चोटियां तक पहुंच सकना ए जमीन ते टुरदा ते इंज लगदा जिवें जालम दी धौण च सरिया आ गया भुल गया ना अपना माजी भुल गया अपना बचपन भुल गया अपना लड़कपन भुल गया अपने अल्लाह दियां कुदरतां भुल गया रब दियां नेमतां भुल गया पैदा करन वाले खालिक ते मालिक नू भुल गया है। अल्लाह सुल जलाल फरमांदे ने इन्नका लन तखरे कल अर्ज़ा वलन तबलुगल जबाल तूला कुल्लु ज़ालिका काना सय्यिअहु कुल्लु ज़ालिका काना सय्यिअहु इंदा रब्बे का मकरूह। गल लोकां नूं भी चंगी नहीं लगदी आम माशरे च कोई बंदा वेख लो ऐ लोकी भी समझदे ने बड़ा फूले खां है ऐ वेखो जी बड़ा बेवकूफ आदमी है ऐ मैं लोकां नूं आकड़ आकड़ के विखांदा पिया हालां अगर इहदे कोल पैसा है ते साडी सेहत ते की असर है इहदे कोल दौलत है ते महल्ले वालियां दी सेहत ते की असर है ओह केड़ा किसे ने इहदे कोल लै के खाणा है ओह जिहड़ा अपने आप तो बाहर होए ओह लोकां नूं भी चंगा लगदा ते जेड़ा लोकां नूं चंगा नहीं लगदा अर्श वाले रब नूं भी चंगा लगदा। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने कुल्लो ज़ालिका काना सईए ओहु इंदा रब्बे का मकरूहा।
सारियां गल्लां सारियां चीजां ये सारे अंदाज तेरे अल्लाह नू ना पसंद ना पसंदीदा ने ओनू चंगे नहीं लगदे। उस रब नू भी ये गल्लां पसंद नहीं आउंदियां क्योंकि मुतकब्बर बंदा तकब्बर करन वाला आकड़न वाले दा ते दुनिया विच भी मुल कोई नहीं ते जदो कयामत दा दिन आउणा उदन भी ओदी वैल्यू कोई नहीं। दुनिया ते रिहा है ते तां भी मुल कोई नहीं दुनिया तो जान लगा ते तद भी मुल कोई नहीं। तुसी आखोगे एदी दलील की है सुनो जरा अल्लाह जुल जलाल दा कुरान एलान फरमा रहा है। अल्लाह फरमाते ने ए मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए सपारा सतवें ते सूरत दा नाम है सूरा अनाम। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने व मन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अल्लाह कज़ब औ काल उहया इलैया व लम युहा इलैह शैउ व मन काल सअनज़िल मिस्ला मा अनज़ल ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ। अल्लाह जुल जलाल ने कुरान अंदर ऐलान फरमाया ए मेरे पाक पैगंबर अली सलाम जी ओदे नालों वड्डा जालिम बंदा कौन हो सकदा है जेड़ा अल्लाह ते झूठ बनन तो गुरेज नहीं करदा। अल्लाह दी जात ही झूठ बनी जांदा है तोहमतां लाई जांदा है। औ काला ऊ है या इलैया वलम यूहा इलैह शैउन ए आंदा मेरे ते भी वही आउंदी है हालांकि एदे ते वही नहीं आउंदी। ओ इंज दे लोग गुजरे ते है ही ने ना मेरे आका अली सलातो व सलाम दे जमाना नबुवत दे अंदर मुसैलमा कज़ाब अस्वद अनसीए इंज दे लोग ने जिन्ना आखिया साडे ते भी अल्लाह दी तरफों वही नाजल हुंदी है हालांकि चिट्टे नंगे झूठे ने। अल्लाह ने मेरे पैगंबर अली सलाम ते खत्मे नबूवत दा ताज रख दिता है। और ये बात ज़हन नशीन फरमा के ले जाओ कि आज तो 1400 साल पहले आमिना दे लाल अली सलाम दे जमाने नबूवत दे अंदर अगर असवद अनसी जैसा और मुसैलमा कज़ाब जैसा अपने आप नू अल्लाह दा नबी अखवाए या अपने आप नू रब दा नबी आखे चिट्टे नंगे दज्जाल ने कज़ाब ने और बेईमान ने और जेड़ा इस दौर दे अंदर आमिना दे लाल अली सलाम दे मुकाबले अंदर और भावे कादियान दा मिर्जा होए भावे कोई दूसरा तीसरा होए जेड़ा आमिना दे लाल दी नबुवत दे मुकाबले दे अंदर अपनी नबुवत दा इजहार करेगा ऐलान करेगा रब्बे किबरिया दी कसम है असी ये अकीदा रखने हैं और ये दावा रखने हैं कि जिस तरह वो दज्जाल सर कसाब सर इसे तरह ये भी बेईमान है ते सच्चा पक्का झूठा है। ए भी मोमिन हो सकदा नबी होना ते दूर दी गल मोमिन नहीं रह सकदा मुसलमान नहीं रह सकदा बल्कि ए बेईमान जहन्नम दा बालन बन जाएगा जो आमिना दे लाल अली सलाम दी खत्मे नबुवत दा इनकार करेगा। आ सुन लो अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने सोने ते जेड़े इंज दे लोग ने वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी غمرات الموت
वल मलाइका तो बासतु अईदीहिम अखरजू अनफुसकुम। अल्लाह दे फरिश्ते होंगे इंज दे जालिमां दे सामने, इंज दे फासकां फाजरां दे सामने, आके इन्हां नूं कहणगे अखरजू अनफुसकुम, लियाओ अपनियां जानां साडे हवाले कर दियो। ते नाल आखणगे अल्यौमा तुजज़ून, अल्यौमा तुजज़ून अज़ाब अल-हूर बिमा कुंतुम तक़ूलून अल्लाह गैर अल-हक व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। अल्लाह दे फरिश्ते नाले इन्हां कोलों मुतालबा करनगे, लियाओ अपनियां जानां साडे हवाले कर दियो, अज तुहानू सजा दित्ती जानी है जेड़ियां गल्लां तुसीं अल्लाह ते मुताले करदे रहे, हक तो बगैर करदे रहे, ओ जेड़ा तकबर करदे रहे, फखर करदे रहे, अज उस तकबर दी वजह तो तुहानू अजाब विच मुबतला कर दिता जाएगा। और दोस्तों तकबर ये भी है कि बंदा अपने मालिक दी ना फरमानी करे, एदा ना ही ते तकबर है। एक बंदा अपनी जात दे हवाले न करदा है, अपनी दौलत अपने माल ते इतरांदा है, ये भी तकबर है। एक तकबर दी किस्म एवे कि बंदे नू ओदा मालिक बुलाए, ओदा खालिक बुलाए, ओदी आवाज सुन के लब्बैक ना आखे, ये भी ते तकबर है। एदी मिसाल इंज समझ लो, एक बंदा गरीब जिहा बंदा, महल्ले दे अंदर इंतहाई गरीब किस्म दा आदमी है, इनू इलाके दा डीसी, इनू इलाके दा एसपी आवाज मारदा इधर आ भाई, ये बंदा ओदी गल दी परवाह ही नहीं करदा, ये सुनी अनसुनी कर देंदा, सज्जे खब्बे हो जांदा, इहदी गल दी वैल्यू ही कोई नहीं समझदा, ओ फेर आवाज देंदा, ओ तू सुनिया नहीं गल ते सुन मेरी, ए बंदा फिर ओदी गल सुनी अनसुनी कर देंदा, कन लवेट के कोलों दी गुजर जांदा है, ओ गुस्से च आएगा आखेगा ओ फड़ो इनू चार छित्तर लाओ, एदी हसीयत की है, एदी वक्त की है, और एदी ये जुर्रत कि मैं इलाके दा जिम्मेदार अफसर होके इनू बार बार आवाजा पिया देना, ते मेरी गल दी अहमियत ही कोई नहीं समझदा। ते खुदा दी कसम ए ते डीसी एस भी है, पर ओ ते सारी कायनात दा दाता है, ओ सारी कायनात दा रब है, ओ सारी कायनात दा मुश्किल कुशा है। ते जे ओ आवाज देवे ते बंदा सुनी अनसुनी कर देवे, ते दसो रब नू गुस्सा आएगा कि नहीं। आ सुनी अन सुनी करने वाली गल ही है ना। मुअज्जिन मस्जिद विच आ गया, आके कह रहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ए बार बार दोहरांदा जा रहा, अजान कहिंदा जा रहा है। ए बंदा अपनी दुकान ते बैठा है, ते सुनी अन सुनी कर दीती सू, अपने घर विच बैठा है, सुनी अन सुनी कर छड़ी सू, जोर दी अजान हो गई है। ए जालिम अपने यारा बेलिया दी मजलस च बैठा, असर दी अजान हो गई है, एदे कन्ने च आवाज पै गई है, अपने कारोबार अंदर मशगूल, अगो जनाब मगरब दी अजान हो गई है, ए फिर भी अपने कम्मे च लगा, ए इशा हो गई है, फिर भी यारा बेलिया दिया मजलस च बैठा, ना इनू फजर दी परवाह, ना जोर दी परवाह, ना असर दी परवाह, ना मगरब दी परवाह, ना इशा दी इनू परवाह है। और मालिक दे बंदे ने, उस मालिक दे चौकीदार ने एक दिन विच पांच बार आवाजा दित्तिया ने, हया लसला, हया लसला,
तू दो तीन बार DCSP दे कहते ना जाए ओ छितर ला लेंदा ते जिस मालक ने एक दिन वेच पांच बार बुलाया तू ए समझना केड़ा ओ वेंदा वेया केड़ा ओ मेरे लागे वे केड़ा ओ मैनू कन्नो फड़ के कुछ कह सकदा पर रब्बे जुल जलाल दी कसम है जिथे कोई नहीं वेंदा ओते ओथे भी वेंदा है जिथे कोई नहीं वेंदा ओते ओथे भी तैनू वेंदा है जिथे कोई नहीं तेरिया सुनदा ओते ओथे भी तेरिया सुनदा है उस मालिक नू भी गुस्सा आ जाएगा हर मुअज्जन ते अपनी दावत दे रहा लोगां नू अल्लाह दे पैगाम सुना रहा इस वास्ते तकबर ए भी तकबर है के बंदा अल्लाह दी दावत नू सुन के एदे तो मुंह फेर लैंदा है अरे नतीजा की निकलेगा आ सुनो अल्लाह दे कुरान दा एक और मकाम अल्लाह जुल जलाल ने मुतकबर दा अंजाम बयान फरमाया तकबर करन वाले दा अखीर बयान फरमाया अल्लाह फरमांदे ने वसीकल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम सुमर हत्ता इज़ा जाऊँ फतेहत अबवाब वकाल लहुम खज़नतुहा अलम यातकुम रुसुल मिनकुम यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा कालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब काफ़िरीन और आर्डर की मिलेगा कि लादखुलू अबवाब जहन्नम अल्लाह मिनू ते तुहानू महफूज फरमाए कि लादखुलू अबवाब जहन्नम जाओ तुहाडे वास्ते जहन्नम दे दरवाजे खोल दिते गए ने दाखल हो जाओ खालिदीन फीहा एदे विच हुण तुसां हमेशा हमेशा रहना ते क्यों हमेशा रहना अल्लाह फरमांदे ने फबिसा मसवल मुतकब्बिरी तकबर करन वालियां दा ए बड़ा ही बुरा अंजाम है तकबर करन वालियां दा बहुत ही बुरा ठिकाना है दुआ करया कर अल्लाह सानू तकबर कोलों महफूज फरमा ला अल्लाह तकबर दे कोलों बचा ला मेरे भाइयो मेरे बरादर दुनिया ते बड़े बड़े आए सब तो पहला जिन्ने तकबर कीता ने ओनू इबलीस आंदे ने सब तो पहला तकबर करन वाले शैतान आंदे ने और इन ही आदम अली सलाम नू सजदा ना करके ने ते तकबर दा आज पहले दिन इजहार कीता ते आंदा की आना खैरुन मिनो खलकतनी मिन नारिन व खलकतहु मिन अल्लाह इनू मिट्टी तो बनाई ते मैनू अग तो बनाई मैं एदे नालो चंगा मैं एदे नालो आला मैं एदे नालो अफजल मैं एदे नालो बेहतर ए बेईमान ने सब तो पहला अल्लाह दे दरबार अंदर फखर ते तकबर दा इजहार कीता तौबा अल्लाह मेरी तौबा अल्लाह मेरी तौबा और इस दुनिया दे अंदर फिर तकबर करने वाले एदी नस्ल चो ही पैदा हुंदे रह एदे पैरोकारां चो आउंदे रह ते कयामत तक आउंदे रहनगे और शायर ने भी बड़ी प्यारी गल कीती है फरमांदे ने बड़े बड़े मुतकबर जालिम तेरी मेरी ते हसीयत ही कोई नहीं ना बड़े बड़े मुतकबर जालिम ए शोख में साजा वाले इज़राइल होरां ने जिस दम ए गल विच संगल डाले
ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਾਮੋ ਕੀ ਬੋਲਿਓ ਇਰਦਾ ਗਿਰਾ ਤੋਣ ਵਾਲਿਓ ਪਰਵਾਨਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਣਗੇ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਸਨ ਸਭ ਅੜੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆਂਦਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਨਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ ਆ ਜਾ ਬੰਦਿਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾ ਉਹ ਖਤਾਕਾਰਾ ਉਹ ਸਿਆਹਕਾਰਾ ਤੇ ਔਗਣਹਾਰਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਰਾਬੀਆ ਓ ਜ਼ਾਨੀਆ ਓ ਬਦਕਾਰਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਣ ਵਾਲਿਆ ਪਾਪੀਆ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਓ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਫਖਰ ਦਲੇਰੀ ਜੋ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਉਣ ਡਿਆ ਨਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਐਤਕਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਬ ਜਨਾਬ 42 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 43 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਹੱਕ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕਰ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੇਖ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਤਰਾਜ਼ੂ ਵੇਖੇਗਾ ਨੇਕੀਆਂ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸਜਦੇ ਪੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਏਗਾ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ ਫਖਰ ਦਲੇਰੀ ਆ ਜੋ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਅਜਲ ਤਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕੜ ਖਾਨ ਨੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾ ਸੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਾ ਕਾਰੂ ਨਾ ਕਾਨਾ ਮਿਨ ਕੌਮੇ ਮੂਸਾ ਫਬਗਾ ਅਲੈਹਿਮ ਵਾਤੈਨਾਹੁ ਮਿਨ ਅਲ ਕਨੂਜ਼ ਮਾ ਇਨਾ ਮਫਾਤਿਹੁ ਲਤਨੂ ਬਿਲ ਉਸਵਤ ਉਲਿਲ ਕੁਵਾ ਇਸ ਕਾਲਾ ਲਹੁ ਕੌਮਹੁ ਲਾ ਤਫਰਾ ਇਨਲਾਹ ਲਾ ਯੁਹਿੱਬੁਲ ਫਰਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਬ ਤਗ ਫੀਮਾ ਆਤਾ ਕੱਲਾਹੁ ਦਾਰ ਅਲ ਆਖਿਰਾ ਦਾ ਵਲਾ ਤਨਸਾ ਨਸੀਬਾ ਕਾ ਮਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵਾ ਅਖਸਰ ਕਮਾ ਅਖਸਨ ਅੱਲਾਹੁ ਇਲੈਕਾ ਵਲਾ ਤਬਗਿਲ
الفساد في الارض ان الله لا يحب ان الله لا يحب المفسدين قال انما اوتيته على علم عندي توبه الله میری توبہ اللہ میری توبہ لوکاں جڑے نیک سن نہ سیانے سن عقل مند سن دانا سن انہاں نے نو سمجھایا یار دولتاں تینو رب نے دتیاں نے آ دنیا دی زیب و زینت تینو رب نے عطا فرمائی ہے تے انج کرنا اس مال وچوں رب دا حصہ وی کڈیا کر اس مال چوں غریباں دا حصہ کڈیا کر اس مال چوں یتیماں مسکیناں دا حصہ کڈیا کر تے جواب پتا کی دیندا آندا انما اوتیتہ علی علم اندی او مینوں مسئلے سمجھان والے ہو مینوں مسئلے سنان والے ہو رب رب کہن والے ہو ایک گل مینوں دسو ہے اے دے وچ رب کتھوں آ گیا اے تے سارا کچھ میں اپنے علم نال کمایا ہے توبہ اللہ میری توبہ او اے دے وچ رب کتھوں آ گیا اے تے میری عقل دا کمال اے تے میری محنت دا کمال اے تے میریاں عقل مندیاں دا کمال اے تے میریاں دنائیاں دا کمال اے سارا کچھ میں اپنی عقل نال اپنے علم نال حاصل کیتا ہے تے جدو بندہ اس حد تک پہنچ جائے پھر رب وی معاف کر دے اللہ وی غصہ آ گیا اینج کھلوتے کھلوتے نو نا رب نے زمین نو آڈر دیتا زمین نے ذرا پھٹ جا تے اس بےمان نو غرق کر لے زمین دے اندر غرق ہو رہے آئے گوڈیاں گوڈیاں تک پہنچے آنا اینج چار چوفیرے اپنے خادم اپنے نوکر اپنا مال اپنیا دولت اپنے خزانے خزانے دیاں چابیاں حسرت پر نگاواں نہ ویندا پیا ربا میں کیویں کمائے نے تے میں چھڈ کے زمین چ غرق ہو رہا اللہ نے سارا کچھ اکٹھا کر کے اے دے سر تے رکھ دیتا تے ہن قیامت تک زمین وچ غرق ہوندا ہی جائے گا اینج دیا نا فرمان بھی دنیا تے آئے نے نا تے پاویں بڑے بڑے خزانے والے نے رب دے خزانے دا مقابلہ کر سکدے رب دے خزانے دا کون مقابلہ کرے میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ نا 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 اللہ دے دربار اندر ساری دنیا آ جائے ہن ایک بندہ ہی رب کولو منگن لگے نا تے میرے آقا نے فرمایا جنہ مرضی اینو مال مل جائے بندہ رجدا یہ دے کول ایک کوٹھی ہے تے آندا دو ہونیاں چاہی دیا نے ایک گڈی ہے تے آندا دو ہونیاں چاہی دیا نے ایک فیکٹری کارخانہ تے آندا دو ہونیاں چاہی دیا نے میرے آقا نے فرمایا یہ دے کول سونے دی ایک وادی ہوئے تے اے پھر بھی نہیں رجنا انہیں آکھنا دو ہونیاں چاہی دیا نے اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ دا پیٹ پرے گی تے قبر دی مٹی پرے گی قبر دی مٹی یہ دا پیٹ بھرے گی اس دے باوجود جنی دنیا پیچھا پیدا ہو چکی ہے تے دنیا تو ٹر گیا نے تے جیڑے ہے نے تے جنہ قیامت تک آنا ہے سارے دے سارے اکٹھے ہو جان جن وی آ جان انسان وی آ جان ایک کھلے میدان وچ جمع ہو جان تے سارے دے سارے اپنی مرضی دے مطابق جو جو منگن رب سو سوئی عطا کر چھڑے ہر بندے دے دل دی تمنا اللہ پوری کر چھڑے جو منگے اوہی دے چھڑے اور سارے آدیاں چولیاں پر دے وے پر او دے خزانے اچ ایک رائی دے دانے دے برابر بھی کمی نہیں آئے گی
ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਏ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਏ ਫਲਾਣਾ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਏ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦੇਣ ਤੇ ਕਾਦਰ ਏ ਉਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਦਰ ਏ सुनते नहीं जे रही फलानी पार्टी है रातों रात ही बह गई है फलानी पार्टी रातों रात ही बह गई है करोड़ा अरबां दा घाटा पै गया ओ इत्थों मालूम हुंदा जे दे सकदा ते वापस भी ले सकदा इस वास्ते मेरे भाई मेरे बरादर आओ नजरा गौर फरमा लो रब्बुल आलमीन ने कुरान अंदर ऐलान फरमाया असा घरू नू इन्ने खजाने अता कीते ए तकब्बर विच आया ते फिर रब ने माफ कीता एक होर आया तकबर वेच आ गया बड़े गुमंड ते फखर वेच आया ए फिरौन ते इन्ना मुतकबर इन्ना आकड़िया आंदा मैं मूसा नू जम्मन देना अकलो अन्नी ते ना नूर भरी आ चवले अपनी हसीयत वेख आंदा मैं मूसा नू जम्मन नहीं देना अल्लाह फरमांदे ने तू आना जम्मन नहीं देना रहन नहीं देना ते जे मैं पैदा करके तेरे झोली विच ना पाले आते मैनू रब किस कहना पता लगता कुदरत बड़े बड़े आकड़ा गवा देंदा है मैं रहन नहीं देना नचूमिया आखिया बच्चा पैदा हो पिया ते पिस्सू पै गया पैदा हो पिया मरवाई छड़ना वह दरमां ने गोद विच चुकया अखां चो आंसू बह निकले ने रब्बा एडा सोहना बेटा दिताई ते फिरौन दे जल्लाद आउणगे हुणे ही ज़बा कर देणगे बोटियां बना देणगे अल्लाह सोहणिया मैं बर्दाश्त किवें करांगी अरशां तो आवाज आउंदी है ए मूसा दी अम्मा परेशान नहीं होना परेशान अपने बेटे नूं दुध लांदी जान ते जदों बहुता ही खतरा महसूस होए इनू पानी च रोड़ दई एक टरनके च पा के रोड़ दई रोड़ तू दई ते तेरी झोली च वापस मैं पा छड़ांगा फिर बीबी ने रोड़िया ते कुरान की आंदा कुरान सुनो अल्लाह तुहानू कुरान दा सच्चा प्यार नसीब फरमा छड़े कुरान दियां बोलियां सुनिया करो कुरान ना मुहब्बत ते दिल लगाया करो अहले हदीसो आने वाले हो किताबो सुन्नत दियो परवाने हो गैर अहले हदीसो और रब दा करोड़ों बार शुक्रिया अदा करिया करो लोग ते किस्से कहानियां ते अपनियां तकरीरां दा एंड करदे ने लोग ते हीर ते रात किस्से सुना के मिंबरे रसूल नू बदनाम करते ने मिनू ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसम है ए मेरे मुकद्दर दा हिस्सा और साड़ी किस्मत दी बात है अहले हदीस दा खतीब उठदा रब दा कुरान पेश करदा मुहम्मद दा निजाम पेश कर ए अपनी अपनी किस्मत दी बात है अपने अपने नसीबे ते मुकद्दर दी बात है कुरान ना दिल लगाया करो ए ना सोचिया करो कुरान सुनान वाला कौन है ए ना सोचिया करो तकरीर करन वाला कौन है वाज करन वाला कौन है ओ ए सोचिया करो गल किदी करदा पिया मैं अपनी बात करा रिजेक्ट कर दे मैं अपने खुतबा दी बात करा रिजेक्ट कर दे मैं जमात दे अमीर दी बात करा रिजेक्ट कर दे जमात दे किसे खतीब दी बात लाके आवा बेशक ना मन्नी और जे मैं कुरान लाके आवा साहिबे कुरान दी शरीयत लाके आवा फिर मैं रब दा वास्ता दे के कहांगा इनू घर बह के कल्ला बह के तर्जमे वाला कुरान पढ़िया कर शायद के अल्लाह तेरे मेरे दिल दी निजात दा सरिया ते सबब बना जा सुनो अल्लाह दा कुरान ए भी एक मुतकबर ते तकबर टूटन लग तोड़दा कौन कौन तोड़ दे आ बड़े बड़े आकड़ खावां दियां आकड़ां गुआ छड़ दे अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वा औहैना इला उम्मे मूसा कहो सुभान अल्लाह
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اے موسیٰ دی اماں روڑ دے بیٹے نو روڑ دے دودھ پلان دی رہ خطرہ محسوس ہوئے نا اپنے بیٹے نو دریا چ روڑ چھڑی تے جدوں اماں نے دریا چ روڑ چھڑیا اللہ فرماندے نے وقالت امرأت فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسى ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وهم لا یشعرون بچے نو روڑ دیتا تے نال ماں ہے نا ماں ہائے ماواں دے دل بڑے نرم ہوندے نے تے بھین موسیٰ دی نو نال ہی ٹور دیتا آندی اے نی بیٹیے نال نال ہی ٹور دی جائیں ویکھی تیرے ویر دا صندوق چا کدھر نو روڑ کے جاندا اے ماں دے دل نو چین نہیں آ رہا ماں دے دل نو صبر نہیں آ رہا ماں دے دل نو سکون نہیں آ رہا اے روڑدا جا رہا روڑدا جا رہا تے پانی دیاں موجاں سوال کر دیا نے اللہ رستے کئی نے نہراں کئی نے نالے کئی نے اللہ کدھر نو لے کے جائیے فرمایا جیڑا پانی فرعون دے باغاں ول جا رہا ہے ادھر نو ہی لے کے جانا ہے ربا تے اگے ہی ڈیکن دیا او تے اگے ہی لبدا پیا اللہ فرماندے نے میں تے کلنا ہی ادھر میں تے کلنا ہی ادھر رڑدا رڑدا بچہ پہنچ گیا تے بی بی آسیہ دے محلاں دے لاگے پہنچ گیا فرعون دے محلاں دے لاگے پہنچ گیا نوکرانیاں نے اے صندوق چا اٹھایا اینو کھولیا تے وچوں انگوٹھا چنگدا موسیٰ نظر آیا بچہ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰਾਉਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰਾਉਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਫੌਰਨ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਂਦਾ ਇਮਰਾਤੋ ਫਿਰਾਉਨ ਕੁਰਾਤੋ ਐਨ ਲੀ ਵਾਲਾ ਗਾ ਕੁਰਾਤੋ ਐਨ ਲੀ ਵਾਲਾ ਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰਤਾਜ ਫਿਰਾਉਨ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਰਾਤੋ ਐਨ ਲੀ ਵਾਲਾ ਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਅਸਾ ਐਨ ਫਾਨਾ ਅਨ ਕਰੀਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਫਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉ ਨਤਾ ਖੇਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਰ ਤੇ ਯਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਲੋ ਹੈ ਰੱਬੇ ਤੇ ਘਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਰੱਬੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਦਈਏ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਏ ਕੁਰਾ ਤੋ ਐਨ ਲੀ ਵਾਲਾ ਕਰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਉ ਨਤਾ ਖੇਦਹੁ ਵਾਲਾ ਦਨ ਤੇ ਯਾਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਵਾਹੋਮ ਲਾ ਯਸ਼ੋਰੂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਬਣਨੀ ਕੀ ਏ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਕੀ ਏ ਫਿਰਾਉਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੋ ਤਜ਼ਬਜ਼ਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਨੀ ਏ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਨਾ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ
वेख लो जाली रब नू नथ पा के रख छड़ी रह नहीं देना कतल करवा देना आंदी है बह जा ठा कतल करवा देना इनू असा मरवाना नहीं इनू असा पुत्र बनाना जेड़ा आंदा सी ना रह नहीं देना इस चवल नू पता ही नहीं लगा ते शाही फरमान जारी कर दिता ओए बच्चे नू आके दाइया दुध पिलाण दाइया आउण लग पईया बड़िया बन सवर के आके ना बच्चे नू उठा दिया ने हुण जिदी किस्मत जाग जा जिदा दुध वक्त दे हुक्मरान दा बच्चा पी लै ओनू मुरात ही मुरात मिल जाणगियां ते ए बीबियां आउंदियां ने बच्चे नू चुक दिया ने चुम दिया ने प्यार कर दिया ने ते जदो दुध दे पांदिया ने ना सुभान अल्लाह कुरान की आंदा वहरमना अलैहिल मराज़िया मिन कबलो फकालत हल अदुल्लुकुम अला अहल बैती यकफलूना लकुम वहुम लहू नासिहू बच्चा दुध नहीं किसे दा पींदा अल्लाह फरमांदे ने असा मूसा नू कह दिता मूसा किसे दे दुध नू मूह लाना मैं तेरी मां नाल वादा कीता किसे दे दुध नू ना पीवी जेड़ी आउंदी है बच्चा मूह फेर लैंदा जेड़ी आउंदी है बच्चा मूह फेर लैंदा ते बीबी भैन जेड़ी नाल आई सी ना वो सारा तमाशा वेखण दई है बच्चा रोंदा पिया ते पैना दे दिल भी बड़े थोड़े हुंदे ने वीर रोंदा ते पैन दे कलेचे नू रुग पैंदे ने ना ही रह सकी ते अगा हो के ना बीबी आसिया नू आंदी है बीबी साडे महल्ले भी एक दाई रहिंदी है ते मैनू यकीन है ओदा दुध जरूर पी लैगा ते जे आखे ते मैं ना पता करके लियावा ओ आंदी है उड़ीकदी की पई है जा जल्दी ला के आ ते दौड़ी दौड़ी नसी नसी गई अम्मा उठ तैनू मुबारक हो मेरा वीर किसे दा दुध पी नहीं रहा अम्मा उठ अपने बेटे नू जाके दुध पिला ते मैं ते एक किताब च पढ़िया मां वड्डा दिल करके बैठी है आंदी है मैं ते जाना ही नहीं रब ने वादा कीता सी मैं वापस तेरी झोली विच पा छड़ांगा वादा किया आपे ले आएगा ओ ना समझा जेड़ी बीबी एडी भारा ते पैन डही है हो सकता ओदा दुध पी लै इन्हां बच्चे नू उठाया जाके मां दी गोद विच दिता मां ने सीने ना लाया ते बच्चा घट घट दुध पीन लग पैंदा है ए आंदे ने बीबी उत्थे वजीरे आजम होश च आ जा ओथे तेनू रहन बहन का इंतजाम कर देने ते साडे बच्चे नू दुध पिलाई जाया कर ते होर भारा ते बह गई आंदी है मैं कु ठेका लिया तुहाडे मुंडे दा मेरे होर भी बच्चे ने होर भी न्याणे ने मैं सामना पालना उन्हां नू ते जे दुध पिलाना जे ते इत्थे ही मैनू घर ही दे जाओ मैं अठी दसी दिन तुहानू मिला जाया करांगी अपने बच्चे नू इत्थे ही दुध पिलांदी रवांगी मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने फिरौन वल्लों तनखाह मुकर्र हो गई आंदे ने चल इत्थे ही पिया छड़िया कर अठी दसी दिन मिला जाया कर आका मुस्करा पैंदे ने आ फरमांदे ने मूसा दी मां भी बड़ी अजीब औरत है दुध अपने मुंडे नू आंदी है तनखाह फिरौन कोलो लैंदी है जम्मन नहीं देना रह नहीं देना अल्लाह फरमांदे ने जे मैं तेरे घर विच ना पालिया ते मैनू रब किस कहना है मैं तेरी तनखा ओ गुरूर टुटा के ना ओ टुटा के ना बड़े बड़े दे गुरूर अर्श वाले रब ने तोड़ के रख दिते ने आकड़ा टुट गई गुरूर टुट गया अल्लाह अल्लाह और शायर ने ना बड़ी प्यारी गल की थी है शहीद उल फत अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ा रहमत नाजल फरमाए और तेरी रहमत ते अल्लाह तेरी कबर ते रहमत दी बरखा नाजल फरमाए उन अपने अंदाज ना बड़ी प्यारी गल की फरमांदे ने बड़े बड़े आंदे तोड़ गुरूर देना कौन तोड़ दे कौन तोड़ दे
बड़े बड़िया दे तोड़ गुरूर देना आकड़ खावां दी आकड़ गवा देना बड़े बड़िया दे तोड़ गुरूर देना आकड़ खावां दी आकड़ गवा देना कारून काफर नो सने खजाने आंदे कारून काफर नो सने खजाने आंदे तू जमीन दे वेच तनसा देने चुप कर रवे ते सौ वारी रब्बा सोने मालिका चुप कर रवे ते सौ वारी ते नहीं ते पाल वेच नानी सुफने याद करा देने जदों पुछन ते आमे एक पल अंदर नानी सुफने याद करा देने जदों पुछना होवे नमरूद नू लोड ना है जदों नमरूद नू पुछना लोड ना है फिर एदां दी खेड खिड़ा देना ओदे नक थानी ओदे नक राए एक दाना मच्छर अपनी कुदरत दे नाल पुचा देना फिर ओदे लई ए दवा तजवीज करना ओदे सिर विच छितर पवा देना अबरा जालिम जद काबे नू टाने आया अबा बीला नू हुकम सुना देना ओ मुआ चो कैंकरा केर देने तू ओना दे बंब बना देना काबे ताई ना कुछ भी जौफ पहुंच दे अबरा काफर दा बेड़ा ही बठा देने मकसद होवे जे हाथी नू मारने दा ओदी सुंड ते कीड़ी लड़ा देने वाला हाथी ते कीड़ी दी की निस्बत वाला हाथी ते कीड़ी दी की निस्बत अपनी कुदरत दे मंजर दिखा देना अल्लाह मैं तेरिया कुदरतां तो सदके जावां लख वार कुर्बान जावां उस मालिक नू पुछन वाला ओ बोलो पुछन वाला नमरूद दी आकड़ पन्नी के ना फिरौन दा तकबर पन्निया के ना फिरौन दा तकबर फिरौन दियां आकड़ां नमरूद दियां कुवतां जड़ियां ने अल्लाह जुल जलाल ने एक मिंट सेकंड दे अंदर तोड़ के रख दी थी ओ जेड़ा हुंदा सी ना मैं रहण नहीं देना जम्मन नहीं देना अल्लाह जुल जलाल ने उसे मूसा दी वजह तो इस फिरौन नू पानी दे अंदर गर्क कर छड़िया इसे फिरौन नू पानी दे अंदर दरिया दे अंदर नेस तो नाबूद करके रख देता और जेड़ा आंदा सी ना मैं रब आना रब्बो को मुल आला नौसु बिल्ला मैं सब कुछ हाँ मेरी मर्जी तो बगैर पत्ता भी नहीं हिलदा ओ दरिया च टुबकियां खान दे है जेड़ा आंदा सी ना मेरी मर्जी तो बगैर पत्ता नहीं हिलदा ओ दरिया च डुबकियां खान दिया ते पता ही लगदा ये सारे बड़े बड़े अल्लाह जुल जलाल दे सामने तकबर करन वाले ये रब नू दुनिया ते भी पसंद नहीं ते बोलो कयामत नू ते पसंद होने ही आमीना दे लाल अली सलाम फरमांदे ने जेड़े बड़े बड़े मुतकबर ने कयामत दा दिन होएगा इन्हां नू रब कीड़ियां नालों भी छोटी
ਛੋਟੀ ਮਖਲੂਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਣਗੇ, ਅਈਨਲ ਜੱਬਾਰੂ ਅਈਨਲ ਜੱਬਾਰੂਨ ਅਈਨਲ ਮੁਤਕੱਬਰੂਨ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਵਲ ਸਾਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਅਜ਼ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਾਬਰ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਕੱਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੈਯਦਨਾ ਜਨਾਬ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਗੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦਾ, ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਵੇ, ਦੌਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ, ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ, ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਮ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏ 'ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਖਿੰਜ਼ੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾਈ ਕਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਬੜਾਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਲ ਕਿਬਰੋ ਰਿਦਾਈ, ਇਹ ਕਿਬਰ ਜਿਹੜਾ, ਤਕੱਬਰ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਔਰ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਾ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾ ਅਨ ਅਬਦੁੱਲਾਹ ਇਬਨੇ ਮਸਊਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਅਨਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਲਾ ਯਦਖੁਲੁਲ ਜੰਨਤਾ ਮਨ ਕਾਨ ਫੀ ਕਲਬਿਹੀ ਮਿਸਕਾਲ ਜ਼ਰਰਤਿਨ ਮਿਨ ਕਿਬਰਿਨ ਫਕਾਲਾ ਰਜੁਲੁਨ ਇਨਰ ਰਜੁਲ ਯੁਹਿੱਬੁ ਅਨ ਯਕੂਨਾ ਸੌਬਹੁ ਹਸਨ ਵਾ ਨਾਲੁਹੁ ਹਸਨਤਨ ਕਾਲਾ ਇਨਾ ਅੱਲਾਹ ਜਮੀਲੁਨ ਵਾ ਯੁਹਿੱਬੁਲ ਜਮਾਲ ਅਲ ਕਿਬਰੁ ਬਤਰੁਲ ਹੱਕ ਵਾ ਗਮਤੁਨ ਨਾਲ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਮਸੂਦ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ, ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਬਰਾਬਰ ਤਕੱਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਈ
रब दे दरबार च जान वास्ते अपना मुंह बना लईए। मेरे आका फरमांदे ने जिस बंदे दे दिल च एक जर्रा, यह मुस्लिम शरीफ की रवायत है, मुस्लिम की, जिदे दिल विच एक जर्रा बराबर भी तकबर होएगा, मेरे आका फरमांदे ने वह जन्नत विच नहीं जाएगा। एक बंदा अर्ज करदा सोने कि जेड़ा बंदा ओदे कपड़े अच्छे होन, ओदी जुत्ती सोहनी होए, कई तो समझते ना नवे कपड़े पा लेना, चंगी जुत्ती पा लेना, ये तकबर, ये तकबर नहीं। अल्लाह ने जे नेमत दी है तो ओदा असर तुहाडे ते नजर आना चाहिए। एक हदीस च आउंदा ये माना नहीं कि ये रब ने दिता तो बड़ा कुछ तो सिर च जुआ पाई फिरदा, सिर च कट्टा पियास, ये कमले ने कभी कपड़े भी अठा दिन तो पहले तब्दील नहीं किए, उंज लखा करोड़ा पति है। अल्लाह ने जे नेमत दिती है ते ओदा असर तुहाडे ते नजर आना चाहिए। कपड़े सोहने पा, ए जुत्ती सोहनी पा, अपने लिबास ते नजर रख, बेहतरीन पा, महंगे तो महंगा सूट भी अगर अल्लाह ने तैनू माल दिता ते पान च कोई हर्ज नहीं। मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने चंगे कपड़े पाना, सोहनी जुत्ती पाना, यह कोई बुरी गल नहीं। क्यों? इन अल्लाह जमीलुन वायो ही बोल जमाल, अल्लाह आप भी सोना ते सोनिया नु ही पसंद करदा है। अल्लाह आप भी खूबसूरत है, खूबसूरतियां पाकीजगियां नू अल्लाह पसंद फरमांदे ने, ते सोनिया फिर तकबर किदा नाम है। मेरे आका फरमांदे ने हक नू जान बुझ के छड़ देना ए तकबर, यानी मसले दा पता जान बुझ के ओदे ते अमल नहीं करदा ए तकबर, नमाज नहीं पढ़दा ए तकबर, रोजा नहीं रखदा ए तकबर, माल है वे ते हज नहीं करदा ए तकबर, यानी हक नू ना मनना ए भी तकबर, ते दूसरे नू आप तो हकीर समझना ए भी तकबर। हुण निक्कियां निक्कियां चीज़ां जिन्हां नूं असीं अहमियत देण दी कोशिश नहीं करदे, हालांकि जिंदगी दे अंदर समझण वास्ते इन्हां निक्कियां निक्कियां चीज़ां दी बड़ी अहमियत है, इन्हां दी बड़ी जरूरत है। अल्लाह कोल दुआ है, अल्लाह मैनूं ते तुहानूं सारिआं नूं किताब सुन्नत दीआं बातां समझ के सही माने अमल दी तौफीक नसीब फरमाए और किताब सुन्नत दे मुताबक जिंदगी बसर करन दी तौफीक बख्शे। सदाकल्लाह العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين।